अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे सादी सिंपल खिचड़ी। इसके लिए हमने 400 ग्राम चावल लिया है, यानी कि ये 2 कप चावल लिया है। ये 1 कप 200 ग्राम का है और ये 100 ग्राम का है, आधा कप। तो इस इतने भर के हमने मसूर की दाल ली है 100 ग्राम। टोटल हमारे 500 ग्राम चावल और दाल मिलाकर 500 ग्राम हुआ। इसके हिसाब से हमने 150 ग्राम मीठा तेल लिया है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 टेबल स्पून हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्चों को बारीक कतर दिया हमने और 1 टेबल स्पून पुदीना लिया है, इसे भी बारीक कतर दिया है। और बघार के लिए हमने 10 से 12 काली मिर्ची, 1 टीस्पून शाहजीरा, 2 इलायची, 2-3 लौंग और 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा। नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और 1 टीस्पून हमें हल्दी पाउडर लगेगा। सबसे पहले हमने एक पैन में सबसे पहले हम तेल डाल देंगे। फिर उसके बाद ये जो खड़ा मसाला रखा था हमने वो डाल देंगे। फिर इसे थोड़े से खुशबू आने तक भूनेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। फिर उसके बाद हम ये जो कोथमीर, हरा धनिया और ये पुदीने के पत्ते और जो मिर्ची रखी थी वो डाल देंगे। एक मिनट तक इसे हमने फ्राई होने दिया। फिर उसके बाद हम ये डाल देंगे। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, हल्दी पाउडर, फिर उसके बाद हम ये चावल को अच्छी तरह निखार दिया था हमने, क्योंकि हमें इसे अच्छी तरह तेल में भूनना है, तो उससे खिचड़ी अच्छी टेस्टी बनती है और एकदम हरेरी बनती है। कभी भी याद रखो, जब भी आप खिचड़ी या तहारी जो भी बनाएं इसे पहले अच्छी तरह भून लें, उसके बाद ही इसमें पानी डालें, तो इसे हम अच्छी तरह भूनेंगे। तरह से इसे एक से डेढ़ मिनट तक भूनने के बाद फिर इसमें हमने पानी को अच्छी तरह से बॉईल करके रखा था। कभी भी पानी को बॉईल करके ही डाले खिचड़ी में, अच्छी तरह हमारी खिचड़ी भून चुकी है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, 1/2 लीटर से 3 पाव तक पानी डालेंगे। चावल से हम 1/2 इंच ऊपर पानी रखते, कभी भी चावल से 1/2 इंच ऊपर पानी रखते। अगर आपको लगे और पानी लग रहा तो फिर हम और डालेंगे। चावल पे डिपेंड होता है पानी कितना लगेगा। अगर नए चावल हैं तो पानी कम डालें और पुराने हैं तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो अभी हम इसे ढक कर 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। नमक चख के फिर नमक डाल देंगे। हम ये नमक इसमें डाल दिया हमने, इसे हिलाकर इसे ढाक देंगे। पाँच मिनट तक इसे पकने देंगे, फिर और थोड़ी देर बीच में हिलाते रहें। अब इसे हम ढक्कन हटा के चेक कर लेंगे कि हमारे चावल
गले यानी, अभी इसे और 3-4 मिनट बाद पकने लगेंगे। 3-4 मिनट अभी और से हम ढक कर पकने देंगे। अब हमारे चावल का पानी सूख चुका है, अब इसे हम और इस तरह गल भी गए हमारे चावल, अब हम इसे 3-4 मिनट तक दम दे देंगे। ये हमारे चावल का पानी अच्छी तरह से सूख चुका है और हमारे चावल गल चुके हैं इस तरह से। अब इसे हम दम पे 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे, फिर दम पे रहने देंगे, कम गैस करके फिर दम पे रहने देंगे 2-3 मिनट। इसके बाद हमारी खिचड़ी तैयार है। 2-3 मिनट हमने इसे दम पे रखा था, अब ये हमारी खिचड़ी बनकर तैयार है। अब इसे हम निकाल लेंगे। लीजिए, ये हमारी खिचड़ी बनकर तैयार है। इसके साथ गरम गरम चटनी के साथ आप खिचड़ी खाएं। ये टमाटर की चटनी और खिचड़ी तैयार है।